महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही भयानक तरीके से गर्मा गई है और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो जो बड़ा रीजन सामने आ रहा है वो महाराष्ट्र में सियासत के गर्माने का मुद्दा जो है 1.54 लाख करोड़ रुपये की लागत से लगने वाला सेमी कंडक्टर प्लांट का है। यह प्लांट महाराष्ट्र के बदले गुजरात में लग रहा है। इससे विपक्ष शिंदे सरकार से सवाल कर रही है कि महाराष्ट्र से डील लगभग पक्की हो गई थी तो यह प्लांट गुजरात में कैसे चला गया। इस पर जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा भी सवाल उठाया गया। एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह प्लांट राजनीतिक दबाव में महाराष्ट्र से छीना गया है, जिसे वापस लाना होगा। अगर यह प्लांट महाराष्ट्र नहीं आया तो राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। सीधे सीधे उनके द्वारा इस पर स्टेटमेंट दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ने फॉक्सकॉन और वेदांता को पुणे के तेलंगाओं में प्रोजेक्ट लाने के लिए 39,000 करोड़ रुपए की छूट देने का ऑफर दिया था, जबकि गुजरात ने सिर्फ 29,000 करोड़ रुपए दिए थे। गुजरात सेमीकंडक्टर की पॉलिसी बनाने वाला इकलौता राज्य है। बजटीय प्रावधान भी वहां पर पारित किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर महाराष्ट्र को एक बड़ा झटका लगा और यहां पर ये जो प्लांट है वो महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात में लगाने की बात चल रही है, जिसकी वजह से यहां पर उद्धव ठाकरे और साथ में ही अजीत पवार के द्वारा सीधे सीधे एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की जा रही है। बाय द वे, देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पर क्या अपडेट आती है, लेकिन यहां पर जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।